हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ना ना, रोना नहीं, अब वैष्णो आएगी, अब वैष्णो अवश्य आएगी, फिर मैं तुम सभी को मुक्ति दे दूंगा, मुक्ति। फिर तुम सभी की आत्माएं एक दूसरे के साथ आकाश में आंख मिचौली खेलेंगी। स्वामी, इन छोटी छोटी बालिकाओं के साथ आप कैसी भयानक बातें कर रहे हैं? अब ये मृत्यु का खेल बंद कीजिए। नहीं महारानी, अभी खेल बंद नहीं होना चाहिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है और ये खेल समाप्त मेरी मृत्यु की मृत्यु के साथ होगा। महामंत्री निर्जय, अब हमें राजा कहलवाने का कोई अधिकार नहीं रहा। दिन दहाड़े दुर्जय हमारी प्रजा की निष्पाप संतान का अपहरण कर रहा है और हम जिनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं, यदि हम उस वचन का पालन नहीं कर सकते तो हमारे राजा होने का क्या अर्थ रहा? जब तक हमने स्वयं पिता होने का सुख नहीं भोगा था, हम वास्तव में ये नहीं समझ सकते थे कि अपने हृदय के टुकड़े से अलग होना कितना कठिन होता है। हमारी लाडली वैष्णो जब हमारी आंखों से ओझल हो जाती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, तो फिर किसी राक्षस के हाथों अपनी संतान को खोकर अपनी प्रजा की क्या दशा हुई होगी? मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा मान्य और, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी पुत्री की सुरक्षा नहीं कर सका, पिता होने का उत्तरदायित्व तक नहीं निभा सका मैं, केवल नपुंसक की भांति दर्शक बनकर खड़े रहे। मेरी बच्ची बेचारी पागल हो गई है, वो दुष्ट है ना, वो मेरी बच्ची को उठाकर ले गया, वो उसे मार डालेगा। मेरी बच्ची ना ना, रोना नहीं, अब वैष्णो आएगी, अब वैष्णो अवश्य आएगी, फिर मैं तुम सभी को मुक्ति दे दूंगा, मुक्ति। फिर तुम सभी की आत्माएं एक दूसरे के साथ आकाश में आंख मिचौली खेलेंगी। स्वामी, इन छोटी छोटी बालिकाओं के साथ आप कैसी भयानक बातें कर रहे हैं? अब ये मृत्यु का खेल बंद कीजिए। नहीं महारानी, अभी खेल बंद नहीं होना चाहिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है और ये खेल समाप्त मेरी मृत्यु की मृत्यु के साथ होगा। नहीं स्वामी, नहीं, आप इस तरह मत हंसिए, देखिए बच्चियां कैसे घबरा रही हैं। बच्चियां घबरा रही हैं? अगर बच्चियां घबरा रही हैं, तो इसमें आश्चर्य कैसा? ये तो है ही नन्ही सी, दुर्बल सी। दुर्जय के सामने तो अपने आप को शक्तिशाली समझने वालों के भी
दिलों की धड़कने रुक जाती है तो ये तो बच्चिया है। परंतु अभी तक वैष्णो क्यों नहीं आई महारानी? दुष्ट बुद्धि। आ गया सुरेश्वर। दुष्ट बुद्धि, रत्नाकर से जाकर पूछो कि वो वैष्णव को मेरे हवाले करेगा या फिर इन बालिकाओं की आत्माओं को परमात्मा से विलीन कर दूं। जाओ पूछो। जो आज्ञा सुरेश्वर। हाहाहाहा